देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो बिहार की राजधानी पटना में, और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भट्टाचार्य रोड से कनेक्ट है, जहां से रोड शो शुरू होना है। शशांक पीर मुहानी या फिर ठाकुर बाड़ी रोड से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। निधिश्री गांधी मैदान उद्योग भवन, और यही वो जगह है जहां पर रोड शो खत्म होने वाला है। और देखिए, आर्यन आनंद उद्योग भवन में इस वक्त मौजूद है, और सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। मुकेश केजरीवाल जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का रुख करते हैं। विजय जी, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि एनडीए 40 में से 40 के सपने देख रही है, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश को बांटने के लिए आए हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक बात है पूजा, बिहार में एक थोड़ी मजबूत लड़ाई एनडीए को देखनी पड़ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव वहाँ पर एक मजबूत लीडर के तौर पर चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को। और मुझे लगता है कि 40 में से 40 पहले 39 सीटें वहाँ पर आई है पिछले चुनाव में इस गठबंधन को 2019 में, अब 40 में से 40 सीटें आना तो मुश्किल लगता है, 39 सीटें आना भी मुश्किल लगता है, लेकिन कितनी सीटें आ पाती है और तेजस्वी यादव इस लड़ाई को कहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आरजेडी जीरो पर रही है, उसका खाता भी वहां नहीं खुला, केवल एक सीट किशनगंज की मिली थी। प्रधानमंत्री के इस रोड शो से बिहार में एक बड़ा माहौल बनेगा जाहिर तौर पर, और खासतौर से पटना और पाटलिपुत्र की जो सीट है, पाटलिपुत्र में मीसा भारती लालू यादव की जो बेटी है वो चैलेंज कर रही है रामकृपाल यादव को, जो पहले आरजेडी में रहा करते थे, पिछली बार तो एमपी बीजेपी से रहे हैं, तो वो एक ताकत किस तरह से बनती है। और जो एनडीए गठबंधन में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन की कमजोर कड़ी हैं, तो उस कमजोर कड़ी का फायदा तेजस्वी यादव कितना उठा पाते हैं, और प्रधानमंत्री उनकी जो वो ताकत है उसको कितना रोक पाते हैं, उससे चुनावों की आगे की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। ठीक है मुकेश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि विजय जी जिस सियासी माहौल का जिक्र करते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो रोड शो की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, भव्य रोड शो रूप इसको देने की कोशिश जो की जा रही है, उससे सियासी माहौल किस तरीके का बनेगा ग्राउंड जीरो पर, लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? देखिए, भाजपा के लिए बहुत राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप देखिए कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो टर्नआउट है बहुत अच्छा नहीं है, पिछली बार से कम हो रहा है, बल्कि बाकी राज्यों के मुकाबले देखें तो काफी कम हो रहा है। ऐसे में, और आज देखिए कितनी गर्मी है, उमस है बिहार में, पटना में इस समय बहुत गर्मी है, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग बाहर निकल के आते हैं, ओवरऑल भी राजनीति के लिए लोगों की भागीदारी किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी विचारधारा के साथ, किसी भी राजनेता के लिए होती है, तो वो उत्साहजनक बात है, अच्छी बात है, खास तौर पे तब जबकि वहां पे हम देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम है, लोगों का उत्साह राजनीति में, चुनाव में, मतदान में थोड़ा कम हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसका, ये जो प्रधानमंत्री जी वहां जो जा रहे हैं उससे, और ओवरऑल जो बात हो रही थी, जैसे विजय जी ने भी कहा कि 40 सीटें हैं वहां पे और पिछली बार 39 आई, इस बार एक नई चुनौती है। आप देखिए कि 40 में से भाजपा कुल 17 लड़ रही है, 17 सीटें अगर लड़ रही है, और दूसरी तरफ देखिए कि अगर 16 सीटें जेडीयू लड़ रही है, जेडीयू ने इतनी बार पलटी मारी है, कभी याद होगा आपको भाजपा के लिए जो महत्व है पटना का, आप देखिए कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब लॉन्चिंग हो रही थी, तब जो 5 बड़ी रैलियां देश भर में हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी रैली पटना में भी हुई, जिसकी तैयारी कई महीनों तक हुई थी और जिससे कि देश भर में उनकी एक हवा बनी थी, उसी तरह से आज फिर कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, ये जो पूरे राज्य में हवा बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी हो सकती, तैयारी महत्वपूर्ण हो सकती है मुकेश जी, 17 सीटों पे लड़ रही है, और लेकिन ये तैयारी वोटों में तब्दील होती है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हाँ मुकेश जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, मैं वापस लौट रही हूँ। ABP News, आपको रखे आगे।